देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। दरअसल अगर खबर की बात करें तो प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने से पहले G23 ग्रुप के नेताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि G23 ग्रुप में शामिल नेता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किया जाए। दरअसल ये इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो G23 ग्रुप के नेता हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर के आने से तमाम कांग्रेसी पार्टी, खास तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डर है कि उनकी जगह कम होगी। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी के लिए प्रशांत किशोर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सोनिया गांधी ये चीज़ समझती हैं कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस की स्थिति को वो काफ़ी हद तक तो मजबूत करेंगे और पार्टी को एक बड़े स्तर पर लाकर भी खड़ा कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर देखा जाए तो G23 ग्रुप के नेता, जिनमें सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और अगर देखा जाए राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद जैसे तमाम नेता पार्टी इस ग्रुप में शामिल थे, यानी कि इन्हीं नेताओं ने पहले ये भी बात की थी कि सोनिया गांधी को अपनी पार्टी में बदलाव करना चाहिए, अपनी रणनीतियों में बदलाव करना चाहिए। यहाँ तक कि सोनिया और राहुल की रणनीति पर सवाल भी खड़े किए थे। अब यही नेता सोनिया गांधी के लिए एक बार फिर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दरअसल इन नेताओं ने कह दिया है कि प्रशांत किशोर की एंट्री कांग्रेस में नहीं होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री अगर कांग्रेस में होती है तो वो G23 ग्रुप के नेता बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे दामन और चोली, यानी कि जिस तरह से एक मुश्किल कांग्रेस की खत्म होती नहीं है, दूसरी मुश्किल आ जाती है। और अब तो G23 ग्रुप के नेताओं ने हल्ला बोल दिया। आपको बता दें, हाल ही में G23 ग्रुप के नेताओं ने सोनिया और राहुल के खिलाफ हल्ला बोला था जब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। कपिल सिब्बल भी G23 ग्रुप का हिस्सा है। तो ऐसे में G23 ग्रुप के जो ये मेंबर हैं, पार्टी के जो सदस्य हैं, ये अलग राह अपनाते दिखाई दे रहे हैं। G23 के ग्रुप के ये सदस्य बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं है कि सोनिया गांधी उनके रहते हुए किसी ऐसे नेता को, ऐसे रणनीतिकार को पार्टी में बड़ी अहमियत दे। क्योंकि अगर देखा जाए तो कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद, ये पहले से इस ताक में है कि पार्टी में बड़ी जगह उन्हें ही मिले और पार्टी में बड़ी जगह पाने के वो हकदार भी हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के आने से उनका राजनीतिक दबदबा कम होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी के G23 ग्रुप के ये नेता जिस तरह प्रशांत किशोर के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशांत किशोर सोनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो वहीं G23 ग्रुप में भी ऐसे कई बड़े नेता शामिल हैं जिन्हें सोनिया दरकिनार नहीं कर सकती। पहले भी इन G23 ग्रुप के नेताओं को दरकिनार किया गया था। हालात क्या हुए, पार्टी काफ़ी हद तक टूट गई, पार्टी काफ़ी हद तक छितर बुतर हुई, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल सोनिया गांधी के लिए एक एक कदम रख कर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि G23 ग्रुप में शामिल इन नेताओं ने जिस तरह सोनिया गांधी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है, अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है, इससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में G23 ग्रुप के नेता ना सोनिया और राहुल की रणनीति को पसंद कर रहे हैं और ना प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने को लेकर पसंद कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह की स्थितियां बन चुकी है उससे साफ पता चल रहा है कि G23 ग्रुप जो है वो अलग राह पर चल पड़ा। भले ही G23 ग्रुप के ये नेता कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन इनकी विचारधारा पार्टी से अलग है, पार्टी से अलग हटकर सोचते हैं। राहुल और प्रियंका और सोनिया की रणनीति पर इन्हें भरोसा नहीं है,
क्योंकि अभी तक पार्टी की जो मौजूदा हालत है, पार्टी जिस तरह टूट रही है, पार्टी जिस तरह अलग पड़ी हुई है, इसका साफ मतलब यह है कि पार्टी की रणनीति बेहतर नहीं है, पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा कि राहुल, प्रियंका और सोनिया जो रणनीतियां अभी तक बनाती आई थी, ये रणनीतियां किसी भी मायने में सही और सटीक नहीं बैठी। इसलिए G23 नेताओं का कहना है कि ना राहुल और सोनिया की रणनीति ठीक है, ना प्रशांत किशोर का आना। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में आते हैं तो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव, उसकी तस्वीर अलग हो सकती है। तस्वीर अलग कैसी होगी ये भी आप समझिए। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, रणनीति बनाने में माहिर हैं और अगर कहा जाए तो राजनीति के चाणक्य हैं। कहां किस दांव पेच का इस्तेमाल करना है, किस तरह से जो है विरोधी पार्टी को धूल चटानी है, तमाम बातें प्रशांत किशोर जानते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना प्रियंका गांधी के लिए इतना आसान नहीं होगा जब तक चुनावी रणनीतिकार नहीं होगा। और ऐसे में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो गांधी परिवार के करीबी थे, अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के सलाहकार थे, जो रणनीति जो राजनीति की रणनीति बनाते थे, अहमद पटेल के निधन के बाद सोनिया गांधी को कमी खलने लगी कि उनके पास कोई रणनीतिकार नहीं है, उनके पास कोई सलाहकार नहीं है कि पार्टी को कैसे चलाया जाए, पार्टी को कितना चलाया जाए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये सब काम रणनीतिकार बताते हैं, सलाहकार बताते हैं। तो ऐसे में अहमद पटेल की जगह प्रशांत किशोर ले सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री होने से पहले इतना बड़ा बवाल होना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो विचार हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते, यानी कि मनभेद भी है और यहाँ पर विचारों में भी भेद दिखता नजर आ रहा है। अब ये पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को तय करना है कि पार्टी के भीतर जो ज्वाला उठी है, पार्टी के भीतर जिस तरह जो आग की लपटें उठ रही हैं, उसको किस तरह शांत किया जाए और कैसे जो है माहौल शांत करते हुए प्रशांत किशोर की एक बेहतरीन एंट्री कांग्रेस में करवाया जाए। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए जो चुनौतियां हैं उसको पार पाना इतना आसान नहीं होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर को क्या बड़ी जगह मिलती है और प्रशांत किशोर की जो शर्तें मान ली गई हैं उस हिसाब से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी के अंदर जो यूनिटी होती है, जो एकता होती है, उसको बनाने में सोनिया गांधी बहुत पीछे पिछड़ गई हैं। सोनिया गांधी ना पार्टी नेताओं में एकता बना पाई, ना पार्टी कार्यकर्ताओं में एकता बना पाई, जिस वजह से आज पार्टी की हालत बेहद खराब है। देखते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या रहती है और कैसे प्रशांत किशोर की एंट्री कांग्रेस में होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।